नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक से लेकर 50 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए थे। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, इसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज की क्लास का है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो किस सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम तापमान उत्पन्न किया जाता है, क्वेश्चन ये, अतिचालकता का, जूल केल्विन प्रभाव का, ताप वैद्युत प्रभाव का, या रुद्धोष्म विचुंबकन का। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। तो अतिचालकता सिद्धांत के आधार पर न्यूनतम तापमान पैदा किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, सीवी रमन ने, एच जे भवा ने, एस चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, करेक्ट आंसर है इसका एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कृष्ण छिद्र सिद्धांत एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। रडार के आविष्कारक थे, तो रडार का आविष्कार किसने किया था ये पूछा गया है, रडार का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर होगा रडार के आविष्कार का ऑप्शन डी, टेलर एवं यंग। तो टेलर और यंग के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है, पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है, पेंटेन है, ऑक्टेन है, मिथेन है, या हेक्सेन है। पेट्रोल में मुख्य संगठन क्या है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑक्टेन। पेट्रोल में मुख्य संगठक के तौर पे ऑक्टेन उपयोग में होता है। नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू हुआ था, जिन्होंने खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज़ की खोज करी थी, इन्हीं के नाम से नोबल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने हवाई जहाज की खोज की थी, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की, या डायनामाइट की। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी डायनामाइट। तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, अल्फ्रेड नोबल, और इन्हीं के नाम से नोबल पुरस्कार की शुरुआत हुई। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने, लॉर्ड लिस्टर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या आइंस्टीन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, डब्ल्यू रेमजे, रॉबर्ट मॉलेट, जे एल बेड, या जॉनसन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जे एल बेड। जे एल बेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था, बहुत प्रचलित नाम है दोस्तों राइट ब्रदर्स, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, दूरबीन का, रेडियो का, विमान का, या उग्रग्रहरोही का। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यानी विमान। तो जो विमान है इसके आविष्कारक कौन थे, राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, हॉपकिंस, रोंजन, मार्कोनी, या मोर्स। हॉपकिंस, रोंजन, मार्कोनी, या मोर्स, चारों में से एक्सरे का आविष्कारक कौन था, करेक्ट आंसर है रोंजन। तो रोंजन वैज्ञानिक थे जो एक्सरे के आविष्कारक थे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, या आर्किमिडीज ने। करेक्ट आंसर है आर्किमिडीज, ऑप्शन डी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज किसने की, आर्किमिडीज ने। अगले प्रश्न पर चले, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो गया है वापस, राइट ब्रदर्स, इन्होंने ही हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगली बात करें तो गैस इंजन की खोज किसने की थी, गैस इंजन की खोज किसने की थी, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, डेमलर। डेमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई थी, गैस इंजन के आविष्कारक कौन थे, डेमलर। अगले प्रश्न की बात करें,
प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर या सैमुअल कोहेन? प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने है, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम के आविष्कारक थे, इन्होंने इनको विकसित किया था। लेजर के आविष्कारक कौन है? लेजर के आविष्कारक कौन है? हिटन, मोरिसन, मेमन या सेमुर क्रे? लेजर के आविष्कारक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टी एच मेमन। टी एच मेमन लेजर के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण किसने किया था? तो चार ऑप्शन फिर आपके सामने हैं, सेम ऑप्शन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का आविष्कार किया गया था, बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चले, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रुस्का ने, रॉबर्ट कोच ने, ल्यूवेन हॉक ने या सी वी स्वानसन ने? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नोल और रुस्का। नोल और रुस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। अगले प्रश्न पर चले, तो गलत संयोजन करना है, गलत कौन सा है इनमें से? तो जे एल्बर्ट के साथ टेलीविजन है, मतलब आविष्कारकों के नाम है, तो आप बताना है भाई कौन सा गलत है। पर्किंसन के साथ में पेनिसिलिन है, जेम्स वाट के साथ में स्टीम इंजन है और बेल के साथ में टेलीफोन है, तो इनमें से गलत कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जे एल्बर्ट ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी से पहले सी पे चलते हैं, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन, बिल्कुल सही। ए जी बेल के द्वारा टेलीफोन, बिल्कुल सही। तो बात करें ये जे पॉर्किंसन के द्वारा पेनिसिलिन, ये यहाँ ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि पेनिसिलिन के आविष्कार कौन थे? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, पॉर्किंसन गलत है इसका, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है जो गलत संयोजन का है? वो है जे पॉर्किंसन पेनिसिलिन वाला। अगले क्वेश्चन पर चले, कंप्यूटर के जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? बेबेज, होलरिथ, लेबनिज या पास्कल? कंप्यूटर के जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो जैसा आप सभी को पता है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें, तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सी वी रमन या एस रामानुजन? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलें, तो निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो आयरन यानी लोहे के जो धब्बे लग जाते हैं, जंग के जो धब्बे लग जाते हैं, इसका मतलब क्या है? आयरन का मतलब जंग। तो जंग के जो धब्बे लग जाते हैं उसे हटाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे, किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग करेंगे? क्वेश्चन ये, ऑक्जेलिक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का, थैलिक अम्ल का या सिनेमिक अम्ल का? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ रखा होगा कि जंग के धब्बे हटाने के लिए किस प्रकार के अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसमें बेंजोइक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बेंजोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पदार्थ कौन सा है? बेंजोइक अम्ल। नाभिकीय रिएक्टर में खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फेराडे या एनरिको फर्मी? तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, चार्ल्स कैटरिंग ने, जॉर्ज केले ने या जेनाब ग्रामे ने? वायरलेस का आविष्कार किसने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मार्कोनी। मार्कोनी के द्वारा वायरलेस का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चले, तो अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने, पार्कर ने, चार्ल्स पार्कर ने या सेफर ने? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वाटरमैन।
वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चले तो विल्हेम रोंजन ने आविष्कार किया था, तो रोंजन के द्वारा कौन सा आविष्कार हुआ था, ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का या विद्युत मोटर का। तो रोंजन के द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया था, एक्सरे का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम रोंजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। पायरोमीटर की बात हो रही है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, पायरोमीटर के द्वारा किस चीज़ का मापन किया जाता है, वायुदाब का, आर्द्रता का, उच्च तापमान का या भूकंप की तीव्रता का। तो पायरोमीटर के द्वारा किस चीज़ का मापन होता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उच्च तापमान, पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान का मापन किया जाता है। अगले प्रश्न पर चले तो महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं, डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। तो बात कर रहे हैं महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोनार। तो सोनार के द्वारा वस्तुओं की स्थिति जांची जाती है जो महासागरों में डूबी हुई होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मैनोमीटर के साथ दाब है, कार्बोरेटर के साथ में आंतरिक दहन इंजन है, कार्डियोग्राफ के साथ हृदय गति है, सिस्मोमीटर के साथ पृष्ठतल की वक्रता है। तो चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता मापने के प्रयोग में नहीं होता है, बाकी मैनोमीटर दाब मापन में, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में, कार्डियोग्राफ हृदय गति के काम में आता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा, टेकियोमीटर के द्वारा दाबांतर और पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, देखो एनीमोमीटर बिल्कुल वायु दाब की चाल मापन करते हैं, सही है, अमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन बिल्कुल सही है, पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप की गणना बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन सी टेकियोमीटर के द्वारा दाबांतर बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी टेकियोमीटर दाबांतर। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। तो ध्यान देना सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगले क्वेश्चन आते हैं तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो जैसा कि अभी पिछले दो तीन क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था हमने, मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापन किया जाता है, वायुदाब का, सतह पर तेल के दबाव का, द्रवों को घनत्व का या गैसों के दाब का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सतह पर तेल के दबाव का। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो सतह पर तेल का दबाव। तो ध्यान रखना दाब का ही मापन करते हैं पर वायुदाब नहीं होता, ये आंसर मत लगा देना। किसी भी सतह पर तेल का जो दबाव होगा, प्रेशर होगा, उस दबाव का ही मापन किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में वायुदाब मत लगा देना, इसमें गलत है। तो गैसों का जो दाब होता है वो दाब नहीं आता, तो ऑप्शन ए और डी गलत होगा। अगले क्वेश्चन पर चले वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग लेते हैं। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सापेक्ष आर्द्रता, तो सापेक्ष आर्द्रता के मापन के लिए क्या था, वहाँ था हाइग्रोमीटर, और यहाँ पूछा है आपेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर होगा, हाइड्रोमीटर होगा, पेंटोग्राफ होगा या बेरोग्राफ होगा। तो आपेक्षिक आर्द्रता मापन करने के लिए भी वही हाइग्रोमीटर का प्रयोग होगा। तो चाहे सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें या आपेक्षिक आर्द्रता की बात करें, हाइग्रोमीटर उपकरण का ही प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से करते हैं, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, फेदोमीटर या लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। तो लैक्टोमीटर एक उपकरण जिसके द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले मानव के गुर्दे में होने वाली अश्मरी में ज़्यादातर क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम फास्फेट। तो जो अश्मरी होती है मानव गुर्दे में, जिसे हम पत्री कह सकते हैं, तो इसमें किस चीज़ के कण होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, जो अश्मरी होती है ज़्यादातर गुर्दे के अंदर पत्री होती है उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीस्मोग्राफ
किस चीज़ का पता लगाने के काम में आता है? वोल्केनो का, भूकंप का, ज्वार लहरों का या भूस्खलन का? वोल्केनो यहाँ ज्वालामुखी को दर्शा रहा है। तो चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? तो देखिए, सीस्मोग्राफ की बात करें तो ये भूकंप के मापन के पता करने में काम में आता है, तो भूकंप आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। कार्बोरेटर का उपयोग होता है, तो ये हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। कार्बोरेटर का उपयोग क्या होता है? इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए, पेट्रोल को शुद्ध करना या हवा को शुद्ध करना? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिक्स करना कार्बोरेटर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ होता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए या एसी को डीसी में? तो रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऐसा उपकरण जो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापे, एस्ट्रोमीटर कहलाएगा, कैस्क्रोग्राफ कहलाएगा, एक्टियोमीटर कहलाएगा या बैरोमीटर कहलाएगा? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापन करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग लेते हैं उसे कहते हैं हम एक्टियोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो लोहे उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनता है? लोहे उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अगर बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाए तो क्या उत्पाद बनेगा लोहे उत्प्रेरक की उपस्थिति में? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन या बेंजोइल क्लोराइड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा जब आप लोहे उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन को क्लोरीन गैस के साथ में अभिक्रिया कराओगे। रडार का उपयोग होता है, रडार का उपयोग कहाँ होता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता करने में या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में? तो रडार का यूज कहाँ होता है, कहाँ उपयोग में होता है रडार? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्रोनीमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर? तो ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। अगले प्रश्न पर चले, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन कन्वर्ट करता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, अल्टरनेटर या कंडेंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को एक दिष्ट धारा में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें या गामा किरणें? कुलिज नलिका का प्रयोग किस चीज़ को उत्पन्न करने में काम में लेते हैं, कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एक्स किरणें। तो कुलिज नलिका की सहायता से एक्स किरणों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें उत्पन्न किया जाता है। अगले प्रश्न पर चले, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए किस उपकरण को प्रयोग करते हैं? ऑडियोफोन को, डिक्टाफोन को, ग्रामोफोन को या माइक्रोफोन को? तो किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए किस उपकरण को प्रयोग में लेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट बात करें, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर से किस चीज़ का मापन करते हैं? समुद्र की गहराई, दूध की शुद्धता, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता या द्रव्य की आपेक्षिक घनत्व? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा किस चीज़ का मापन होता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। आर्द्रता के मापन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। साइक्लोटोन एक ऐसी युक्ति है, कौन सी युक्ति है? चार ऑप्शन आपके सामने। आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, वाहनों की गति मापती है, द्विआयामी तस्वीर लेती है या जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है?
साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, तो क्या काम करती है साइक्लोट्रॉन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। तो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करने का काम किसका रहता है? साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? साइक्लोट्रॉन किस चीज को त्वरित करता है? न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, परमाणु को या आयन को? साइक्लोट्रॉन के द्वारा किस चीज को त्वरित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, परमाणु। साइक्लोट्रॉन के द्वारा परमाणु को त्वरित किया जाता है। फेदोमीटर के द्वारा किस चीज का मापन किया जाता है? समुद्र की गहराई का, समुद्र की दिशा का, भूकंप की तीव्रता का या इनमें से कोई नहीं? तो फेदोमीटर जो उपकरण है इससे किस चीज का मापन करते हैं? ऑप्शन ए यानी समुद्र की गहराई का। समुद्र की गहराई का मापन फेदोमीटर से किया जाता है। अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, ट्यूरिंग, बेंज, एडिसन या टेलर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है इसका डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग के द्वारा। डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।